हेलो दोस्तों, तो आज हम बनाने वाले हैं कस्तूरी मेथी, जो कि हम किसी भी ग्रेवी वाली सब्जी में डालते हैं। तो उसे बनाने के लिए हम ले लेंगे हरी मेथी की भाजी, जो हमें आसानी से मिल जाती है बाज़ार में, और इस प्रकार से उसे देख लेना है। और उसके पत्ते पर जो एक रेड कलर की हल्की सी लकीर रहती है, वो ली तो और भी अच्छा है। हो सके तो आप छोटे पत्तों वाली मेथी की भाजी का यूज़ करें। तो इस प्रकार से उसको हम अलग कर लेंगे डंठन से। तो इस प्रकार से हम सारी मेथी की ऊपर ऊपर के हिस्से की टोक को तोड़ निकाल लेंगे। और इस प्रकार से सारी निकाल ली है हमने। कस्तूरी मेथी हमारे घर में बहुत ही यूज़फुल रेसिपी है। तो इस प्रकार से देख लीजिए, इसके साइड में जो एक लकीर है वो रेड कलर की है, तो ये रहती है तो स्वाद और भी अच्छा आता है। तो इस प्रकार से हम मेथी की भाजी को तोड़ लिए हैं। अब इसको हम फैलाएंगे एक कपड़े पे। तो इस प्रकार से मैंने एक बारदान लिया है, आप कुछ भी ले लीजिए, उस पर इस प्रकार से फैला दीजिए। करीबन इसको हम रात को फैला रहे हैं, और इसे हम धूप में नहीं सुखाएंगे, हमें इसे छांव में ही सुखाना है। तो एक रात हो चुकी है और मेथी की भाजी कुछ इस प्रकार हो चुकी है। तो ये अभी तक पूरी तरह से सूखी नहीं है, इसको सुखाने में हमें करीबन 2 से 3 दिन लग जाते हैं, क्योंकि हम इसे बिना धूप में सुखाते हैं। तो चलिए इसको एक रात के लिए और रख देंगे, और अगले दिन हमारी मेथी, अगर आप गर्मी में सुखा रहे हैं तो 2 दिन में बन जाती है, लेकिन अगर सर्दी है तो उसको 3 दिन लग जाते हैं। तो चलिए ये हमारी एक पूरी रात रखी थी। तो अगले ही रात का ये वीडियो बना रही हूँ। एकदम अच्छे से मेथी सूख चुकी है, पूरा दिन अच्छी गर्मी थी जिसके कारण मेथी अच्छे से सूख गई है। और आप देख सकते हैं एकदम कुरकुरी, जैसे कि इसका आवाज़ आ रहा है, बस एकदम बहुत ही अच्छे से हमारी कस्तूरी मेथी बनकर तैयार हो चुकी है। तो इसे आप आलू दम, पनीर की सब्जी या किसी भी ग्रेवी वाली सब्जी में डालें और खाइए। तो इस रेसिपी को आप घर पे बनाएं, और अगर आपके पास छोटे पत्ते वाली मेथी की भाजी है तो वो लीजिए, वो और भी अच्छा टेस्ट देगी। और इसको आप एयर टाइट कंटेनर में भरकर 1 साल तक स्टोर कर सकते हैं। उसका स्वाद या किसी में भी कोई भी फर्क नहीं आएगा, और अच्छे से रहेगी। तो इस प्रकार से हमारी कस्तूरी मेथी बनकर तैयार हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।